की। बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में बीजेपी की क्लस्टर प्रभारियों के अलावा लोकसभा विस्तारक प्रभारी और संयोजकों की बैठक हुई। कांग्रेस में प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ रणनीति बनी ये जानेंगे, साथ ही बैठकों पर सियासत भी जमकर हो रही ये भी जान लीजिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। भोपाल में क्लस्टर प्रभारियों के अलावा लोकसभा विस्तारक प्रभारी और संयोजकों की बैठक हुई। बैठक में पीएम के 11 फरवरी के दौरे की तैयारियों पर मंथन हुआ, साथ ही चुनाव के लिए रणनीति बनी। मसलन आदिवासी अंचल से होगा लोकसभा चुनाव का आगाज, झाबुआ से पीएम करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद, 11 फरवरी को प्रधानमंत्री आएंगे झाबुआ, फरवरी के दूसरे हफ्ते से दिग्गजों का दौरा, अमित शाह जेपी नड्डा राजनाथ सिंह आएंगे एमपी, जेपी नड्डा राजनाथ सिंह की छिंदवाड़ा में होंगी सभाएं, केंद्रीय नेताओं के अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीडी शर्मा भी सभाएं करेंगे, जबकि एक रणनीति के तहत प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भोपाल में मोर्चा संभालेंगे। हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था, इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम लगातार हम गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ मैदान में उतरे, तो उन हितग्राहियों के साथ जो हमारी ताकत है संगठन तंत्र के साथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। कितना भी कर ले मोदी जी, पर झाबुआ लोकसभा वो छीन नहीं सकते। अब ये तो सब किसानों को मतलब लोगों को भड़काने के लिए भड़कीले भाषण देते हैं वो, मैं ये क्या, पर उन्होंने 10 साल में किया क्या। उधर भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी बैठक हुई। प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल मौजूद रहीं। कांग्रेस ने 29 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाए। साथ ही बैठक में ये भी मांग उठी कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। बस अब लोकसभा चुनाव आ रहा है आगामी, तो उन लोकसभा में किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुझाव, ये सारे सुझाव, ये कौन उम्मीदवार ठीक होगा क्या होगा, अब ये उनका सर्वे भी कराया है, सर्वे और बाकी लोगों सब तालमेल खाएगा उसी को टिकट देंगे। रणनीति और तैयारियों को लेकर दावे तो कांग्रेस की तरफ से कई हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आने वाले वक्त में साफ होगा। वहीं बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर फीस पड़ती दिखती है और ये विधानसभा चुनाव की तैयारियां रणनीति और नतीजों से भी साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।